Today we are going to start our first chapter of chemistry from 9th class book, Fundamentals of Chemistry. सबसे पहले हम chemistry की definition करेंगे, ठीक है? What is chemistry? This is the definition of chemistry. So chemistry is the branch of science which deals with the composition, structure, properties and reactions of matter is called chemistry. Chemistry में हम जो मैटर है दैट इज एवरीथिंग अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज है वो मैटर है, उसमें उसकी उस मैटर की क्या कंपोजिशन है, वो किन कंपोनेंट से मिलकर बना है, उनकी स्ट्रक्चर क्या है, और स्ट्रक्चर की वजह से और कंपोजिशन की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, फिर उसकी वजह से उनमें कौन कौन से रिएक्शंस जो हैं वो हो सकते हैं, वो हम इसमें स्टडी करते हैं, ठीक है? इट डील्स विद द एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, हमारी लाइफ में इट गिर्द हर जगह जो है आपको केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस जो है वो नजर आएगी. सो योर नेक्स्ट पैराग्राफ इज इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री. इसमें आप लोगों को जस्ट पता होना चाहिए कि व्हाट इज केमिस्ट्री और केमिस्ट्री को स्टडी करना क्यों जरूरी है. अदरवाइज इसमें कभी कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन मोस्टली जो है वो आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए कि हम क्यों केमिस्ट्री जो है वो स्टडी कर रहे हैं, ठीक है? तो केमिस्ट्री को जब भी हम कोई अगर कोई भी हम जो चीज यूज कर रहे हैं, पेपर है, प्लास्टिक की चीजें हम कितनी डेली यूज करते हैं, पेंट्स हैं, ठीक है, और मेडिसन हैं, सोप हैं, ड्रग्स हैं, ठीक है, जितनी भी चीजें जो भी केमिकल, ऑल दीज आर केमिकल कंपाउंड्स, ठीक है? तो इनके अगर आप जैसे सोप है या कोई शैम्पू आप यूज कर रहे हैं या कोई आप लोशन यूज कर रहे हैं, तो उसकी बैक साइड पे आप देखिए तो आपको इनग्रेडिएंट्स में उन केमिकल्स के नेम जो है वो नजर आते हैं कि ये कौन से केमिकल से मिलकर बने हैं, ठीक है? तो ऑल दीज आर केमिकल कंपाउंड्स जो कि केमिकली लेबोरेटरीज में तैयार किए जाते हैं, इंडस्ट्रीज में तैयार किए जाते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन काइंड. अब उसके अलावा कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि पोल्यूशन हमारे एनवायरनमेंट को पल्यूट कर रही हैं, तो वो उसके उसको भी सॉल्व करने के लिए भी केमिस्ट्री की जो है वो हेल्प आउट कर रही है. फिर कुछ हमारे हेल्थ इश्यूज हैं उनके लिए जो है वो केमिस्ट्री जो है वो हेल्पफुल है, ठीक है? इसके बाद आपकी आ जाती है ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री. ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री में ये पैराग्राफ फर्स्ट आपने नहीं करना, जस्ट वी विल गो टू द फर्स्ट ब्रांच दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर अलोंग विद द चेंजेस इन देम, ठीक है? मैटर की जो फिजिकल स्टेट है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, और उसकी कंपोजिशन क्या है, वो किन कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, और जो हम प्रॉपर्टीज जो हैं हम स्टडी कर सकते हैं, जो हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं. फिर कंपोजिशन की ही वजह से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, ठीक है? तो उनमें क्या चेंज आ रहा है और वो उसका उसके साथ क्या ताल्लुक है, वो सब हम इसमें केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, ठीक है? अब इसके स्कोप पे आ जाते हैं. स्कोप है या एप्लीकेशन, आप दोनों आप हेडिंग जो है आप दे सकते हैं. द प्रॉपर्टीज सच एज स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स और फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, बिहेवियर ऑफ गैसेस, लिक्विड सॉलिड्स एंड द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेडिएशन ऑन मैटर आर स्टडीड अंडर दिस ब्रांच, ठीक है? तो इसमें हम जो है वो देखते हैं कि एटम्स जो है वो किस तरह से मिलकर मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, उनकी स्ट्रक्चर क्या है, फिर अगर कोई मैटर जो है वो गैस है तो उसका क्या बिहेवियर होगा, लिक्विड है तो वो किस तरह से उसकी प्रॉपर्टीज वो अपनी शो कर रहा है, सॉलिड है तो वो किस तरह से अपनी प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है, और फिर उस मैटर पर अगर उसको टेम्परेचर दिया जाए तो उसका उस मैटर की फिजिकल स्टेट पर या उसकी प्रॉपर्टीज पर क्या असर हो रहा है, अगर उसको रेडिएशंस दी जाए इस मैटर को तब उसके उसमें क्या चेंजेस आती हैं, ये सब हम फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं. आवर नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन मार्क कर लें. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, जिनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, ठीक है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है कि उसमें हम कोवलेंट कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं. कोवलेंट कंपाउंड्स कौन से हैं, जब एटम्स एक दूसरे के साथ मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो उनमें जो बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है,
और जिन जो कंपाउंड जो है वो कोवलेंट बॉन्डिंग की वजह से, कोवलेंट लिंक की वजह से बनते हैं, उनको हम कोवलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। और जिन कोवलेंट कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और उनके डेरिवेटिव्स क्या हैं, जो उन सिंपल हाइड्रोकार्बन से ड्राइव किए हुए बनाए गए फर्दर बाकी जो कंपाउंड्स होते हैं उनको उनके हम डेरिवेटिव्स कहते हैं। तो इस तरह से इसकी डेफिनेशन जो है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो नेचुरली भी प्रेजेंट हैं और लेबोरेटरीज में भी उनको बनाया जाता है। सो इसका नेक्स्ट आपने ये स्कोप मार्क करना, दिस इज द स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर्स पेट्रोलियम, ठीक है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोकेमिकल्स हैं, फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जितनी मेडिसिन से रिलेटेड जो हैं वो इंडस्ट्रीज हैं, वो सब की सब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है कि जिस जो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने स्टडी किए हैं उसके अलावा बाकी जितने भी कंपाउंड हैं, ठीक है, वो सब के सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड एक्सेप्ट दोज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा, जो हाइड्रोकार्बन्स के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं और उनके कंपाउंड्स हैं उनको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ठीक है, और उनसे जो उनके डेरिवेटिव्स हैं उसके अलावा, ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज एक्सेप्ट दोज ऑफ। एक्सेप्ट दोज ऑफ मींस के इसके अलावा। बच्चे सबसे ज्यादा बड़ी जो मिस्टेक करते हैं, पूरी डेफिनेशन लिख देते हैं लेकिन बीच में आप ये वर्ड जो है वो लिखना अगर आप भूल जाते हो तो आपकी डेफिनेशन जो है वो पूरी पूरी रॉन्ग हो जाती है। सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट, सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड एक्सेप्ट दोज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। के कंपाउंड्स कार्बन और हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव्स के अलावा बाकी जितने भी कंपाउंड्स हैं उनको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एप्लीकेशन कह सकते हैं या आप इसको स्कोप ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, इट हैज एप्लीकेशन इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री। जो केमिकल इंडस्ट्री है, इनके जो हमने ऊपर स्टडी की है अभी, पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स और फार्मास्यूटिकल, इसके अलावा बाकी जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल है ग्लास, जो कि हम बहुत जगहों पर यूज होता है, सीमेंट, सिरेमिक्स, जो मिट्टी से या चीनी के जो बर्तन या वो वॉजेज वगैरह, ये सब के सब सिरेमिक्स में आते हैं। फिर मेटलर्जी, एक मेटलर्जी जो है इट्स अ केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस कौन सा है कि जो जमीन से हमें, अर्थ से नेचुरल जो है अर्थ के अंदर मेटल्स प्रेजेंट होती हैं, दे आर नॉट ट्रू और प्योर मेटल्स। ठीक है, वो प्योर नहीं होती, वो इम्प्योर फॉर्म में होती हैं और उनकी इम्प्योर फॉर्म को ओर्स कहते हैं। ठीक है, ओर ऑफ दैट मेटल मींस के उसमें, उस मेटल के अलावा बाकी और इम्प्योरिटीज भी उसमें शामिल होती हैं, तो उन इम्प्योरिटीज को जो है वो सेपरेट किया जाता है ताकि उस मेटल को प्योर फॉर्म में उसमें से निकाल लिया जाए, एक्सट्रैक्ट कर दिया जाए, जिसको हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स कहते हैं। और इस केमिकल प्रोसेस को एक स्पेसिफिक नाम जो दिया जाता है, दैट इज मेटलर्जी। ठीक है, उसको मेटलर्जी कहते हैं, जिसमें प्योर मेटल को उसकी ओर से सेपरेट करके उसमें से इम्प्योरिटीज को सेपरेट कर दिया जाता है। आवर नेक्स्ट ब्रांच इज बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट इज बायोकेमिस्ट्री। एज द नेम शो, बायो मीन लाइफ। बायो का वर्ड जहां भी आपको आएगा, आप इसका मतलब क्या है, लाइफ। सो बायोकेमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं, जो भी सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं, और उन सब्सटेंसेस में या उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या केमिकल चेंजेस आ रहे हैं, क्या केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, फिर कौन सी ऐसी चीजें हैं, ऐसी केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि
लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो है मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट कर रहे हैं, उनके डिफरेंट जो उनके बॉडी के अंदर केमिकल प्रोसेसेस हैं उनको अफेक्ट कर रहे हैं, उनकी हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं, सब हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं. मींस केमिस्ट्री ऑल रिलेटेड विद लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड दिस इज वेरी वेरी वास्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री. ठीक है, और यू कैन इन अदर वे यू कैन से द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री. ठीक है, इसमें इसी वजह से इसको बायोकेमिस्ट्री को जो है अब सेपरेट एक साइंस के तौर पर स्टडी किया जाता है. सो इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द स्ट्रक्चर कंपोजिशन केमिकल रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंसेस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितना भी मैटर जितना भी सब्सटेंस प्रेजेंट है उसकी स्ट्रक्चर को उसकी कंपोजिशन को उसके रिएक्शंस को स्टडी करने में हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं. सो इट कवर्स ऑल केमिकल प्रोसेसेस. नेक्स्ट इसका स्कोप है, दिस इज द स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री. ठीक है, ये सब का सब सारा इसका स्कोप है और लास्ट लाइन में इसकी एप्लीकेशन है. सो इट कवर्स ऑल केमिकल प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं कौन से हो सकते हैं, सच एज सिंथेसिस. सिंथेसिस मीन किसी चीज का बनना. मेटाबॉलिज्म ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स. मेटाबॉलिज्म में टू प्रोसेसेस आते हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, जिसमें तोड़ने का अमल भी है और जोड़ने का प्रोसेस भी है. ठीक है कि बायो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो टूट भी रहे हैं और बायो मॉलिक्यूल्स हैं वो नए बन भी रहे हैं, उस प्रोसेस को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं. एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड फैट्स. सो बायोकेमिस्ट्री इमर्ज एज अ सेपरेट डिसिप्लिन when scientists begin to study how living things obtain energy from food or how the fundamental biological changes occur during a disease. ठीक है, means के जब आप disease अगर किसी living organism में आती है तो उसकी body में क्या change आता है, उसके किस तरह का उसका food होता है, उसको लेना चाहिए या किस तरह की उसको energy की उसकी requirement है. ठीक है, इसी वजह से इसकी vast application की वजह से ही इसको separate branch के तौर पर study किया जा रहा है. So examples of applications. ठीक है, simply इसकी जो application है वो किस किस field में आ जाती है, किस किस field में है, medicine में है. ठीक है, as I have explained के जो जितने भी medicines हैं all these are chemical compounds. ठीक है, सबके सब medicines जो हैं वो chemical compounds हैं. जितनी भी therapy है वो इसमें आती है, फिर जितने medicines हैं जो biological changes आते हैं during a disease वो भी आपके इसी field में आते हैं. फिर food science है, फूड कौन सा यूज करना चाहिए, किस तरह से खाना चाहिए, क्या बैलेंस्ड डाइट है, उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, कौन कौन से विटामिन्स किस किस फूड में प्रेजेंट हैं. फिर एग्रीकल्चर है. ठीक है, एग्रीकल्चर में कौन कौन सी जो क्रॉप्स हैं वो हमें क्या फायदा दे रही हैं, या उनके उन क्रॉप्स के लिए कौन कौन से जो हैं वो पेस्टिसाइड्स या कौन कौन से जो हैं वो हॉर्मोन्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं, सब इसमें बायोकेमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं. सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ बायो chemistry.